नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आपका स्वागत करती हूँ हैप्पी हैप्पी घर में। मैं आज आपके लिए लाई हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति और गति की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके पितरों को इसके फल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ही जीवों को मुक्ति दिला सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत भी मुक्ति और भगवत दर्शन की कामना से किया जाता है। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आइए जानते हैं इस एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान कर पवित्र हो जाएं, साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल को भी साफ करें, गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें, एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, कुमकुम से उस कपड़े पर स्वस्तिक बनाएं, भगवान गणेश को प्रणाम कर उनका मंत्र ओम गणेशाय नमः बोलते हुए स्वस्तिक पर फूल और चावल चढ़ाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर विराजमान करें, उसके मस्तक पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें, साथ में तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम या मंत्रों का जप करने से अनेकों गुण फल मिलता है, इसीलिए अगर संभव हो तो उनका अधिक से अधिक नाम लें और मंत्रों का जाप करें, फिर विष्णु जी की आरती कर उन्हें फलों का भोग लगाएं। इसी तरह संध्या आरती भी करें, शाम के समय तुलसी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। आइए इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व जानते हैं। शास्त्रों में पितृ पक्ष के दोनों दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा से करता है, उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहते हैं, तो उनके परिजन के द्वारा यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी की कथा। इंद्रसेन नाम का एक राजा था, जिसका माहिष्मती राज्य पर शासन था। राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा के दरबार में देवर्षि नारद पहुंचे, तब राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था। वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वहां वह अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने से दंड भोग रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत रखने को कहा है, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। देवर्षि ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत की विधि के पालन के बारे में बताया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कामना करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सब भी इस व्रत को जरूर करें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माँ।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख महावाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शायनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं बीनती पार करूं नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग के वासा निश्चय वे पावे ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के द्वारा आपको नए नए अमेज़न के डील्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।